हेलो एवरीवन, रूबिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक नई सीरीज चालू होने जा रही है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास सिक्स, और इसके बाद क्लास सेवन की हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी कवर करेंगे। इस चैनल पे पहले से ही एक एनसीईआरटी की सीरीज़ चालू है क्लास सिक्स की, वो है साइंस की, सो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी क्लास सिक्स चैप्टर वन। सो ये है चैप्टर वन और इसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, मतलब इसमें हम लोग सोलर सिस्टम और अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सो हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे इस चैप्टर में जो हमारे कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए इसमें इम्पोर्टेंट शब्द्स को देखते हैं। ट्विंकलिंग सबसे पहला इसमें इम्पोर्टेंट है, ट्विंकलिंग। सो ट्विंकलिंग शब्द स्टार्स के पर्सपेक्टिव में यूज़ किया जाता है। सो स्टार्स के जो लाइट हमारे पास पहुँचते हैं वो लाइट डिम और ब्राइट होते हैं, मतलब उनकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है, उसको ही बोलते हैं ट्विंकलिंग। और स्टार्स ट्विंकल इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास अपना खुद का एनर्जी सोर्स होता है। और सोलर सिस्टम में जो भी हमको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं सभी कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में स्टार्स नहीं हैं। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे प्लैनेट्स जो कि ट्विंकल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका खुद का कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता है। फिर इम्पॉर्टेंट शब्द इसमें जो दूसरा है वो है फुल मून। फुल मून नाइट, मतलब इसको हिंदी में पूर्णिमा भी बोलते हैं, मतलब जब मून जो है वो पूरा दिखाई दे उसको बोलते हैं फुल मून। और इसका अपोजिट होता है न्यू मून। न्यू मून मतलब जब मून जो है पूरा का पूरा नहीं दिखाई देता है, पूरा ब्लैक होता है उस दिन, मून नहीं दिखाई देता है, ऐसी रात को बोलते हैं अमावस्या। फुल मून हो गया, नाइट मून हो गया। इन दोनों में जो डिफरेंस है कितने दिनों बाद ये दोनों आता है, तो 14 डेज़ का डिफरेंस होता है। मतलब अगर आज फुल मून हो गया तो आज के 14 डेज बाद आपको न्यू मून दिखेगा, मतलब न्यू मून नाइट होगा। सो कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो आपको सोलर सिस्टम में दिखते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ में सन भी होता है, मून भी होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे एस्टेरॉइड्स हो गए और अदर ऑब्जेक्ट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर आते हैं। अब कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, हॉट होते हैं, उनका खुद का हीट होता है, लाइट होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं स्टार्स। जैसे सन जो है एक स्टार है, और बाकी ऑब्जेक्ट जैसे प्लैनेट्स हो गए या उनके मून हो गए, दे आर नॉट स्टार्स, क्योंकि उनका खुद का कोई लाइट और हीट सोर्स नहीं होता है। अब एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है कि जो भी स्टार्स होते हैं उनको अगर हम लोग ऑब्जर्व किए हैं बचपन में तो वो एक पैटर्न बनाते हुए दिखते हैं कि हाँ, इन सभी को इस तरीके से जोड़ा जाए तो एक पैटर्न बन सकता है। जैसे कि सबसे कॉमन कॉन्स्टेलेशन है वो है उर्सा मेजर और बिग बियर। उर्सा मेजर और बिग बियर एक कॉन्स्टेलेशन है, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टार्स का एक पैटर्न है। फिर अगला टर्म है सप्तऋषि। सप्तऋषि को बोलते हैं इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। जो ये कॉन्स्टेलेशन है उर्सा मेजर, इनमें जो स्टार्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स, इनको ही बोलते हैं सप्तऋषि। सेवन स्टार्स हैं इसलिए सप्त और ऋषि, सेवन स्टार्स। फिर एक स्टार है उसको बोलते हैं नॉर्थ स्टार या पोल स्टार भी बोलते हैं। सो नॉर्थ स्टार ये डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, क्योंकि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। इसलिए पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में, जो समुद्री तट से, मतलब समुद्र से अपना नाव ले जाते थे, सो वो नॉर्थ स्टार्स का हेल्प से अपना डायरेक्शन जो है देखते थे। फिर है एक सब प्लैनेट, आप सभी जानते ही हैं कि प्लैनेट का कोई लाइट सोर्स नहीं होता है। जब स्टार्स के लाइट उस पर गिरते हैं, जैसे स्टार हो गया सन, जिसका लाइट जब गिरता है अर्थ पे, तो ये जो है इनमें उजाला होता है। और प्लैनेट एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब प्लैनेटाई, ग्रीक वर्ड है प्लैनेटाई, उससे प्लैनेट्स बना है। अब प्लैनेटाई का मतलब होता है वांडरर्स, मतलब घूमने वाले। तो हम जानते हैं कि जो प्लैनेट हैं जैसे अर्थ है तो ये सन के अराउंड घूमता है, इसलिए ये वांडरर है और प्लैनेट है, ठीक है। फिर एक अगला शब्द है मून जो है। सो मून इज अ सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड जो है घूमे, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। सो मून है ये अर्थ के अराउंड घूमता है, इसलिए ये सैटेलाइट है। और ये एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो हम जानते हैं कि अर्थ पे सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वह है मून, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस हैव रिंग्स।
तो अभी हम लगा के देखेंगे कि ये जो तीन प्लानेट हैं उनके चारों तरफ जो है कुछ ऐसे रिंग्स देखने को मिलते हैं, रिंग्स। तो ये रिंग्स किस चीज़ के बने होते हैं ऐसा दिमाग में आ सकता है? तो ये रिंग्स डेब्रिस के बने होते हैं। डेब्रिस मतलब इनमें रॉक्स होते हैं, पत्थर और गैस होते हैं। रॉक्स प्लस गैस के ये डेब्रिस बने होते हैं। तो ये रिंग किससे बने होते हैं? डेब्रिस मतलब रॉक्स प्लस सम गैसेस के ये डेब्रिस बने होते हैं। और ये अर्थ पे से इन सब इसको देखा जा सकता है, ये रिंग्स को, थ्रू हेल्प ऑफ सम स्ट्रॉन्ग सेटल टेलीस्कोप्स। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट इमेज है, इससे थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। सो ये है पूरे प्लानट, आठ प्लानट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, पहले नौ थे और प्लूटो को हटा दिया गया, सो अभी आठ प्लानट हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग देखेंगे कि प्लूटो को क्यों प्लानट के लिस्ट में से हटा दिया गया। सो सबसे नज़दीक सन के जो प्लानट है उसका नाम है मरकरी, और सबसे छोटा भी है वो। उसके बाद है वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। सो ये हो गए पूरे आठ प्लानट। सो जो अंदर के चार प्लानट हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इनको टेरेस्ट्रियल प्लानट बोला जाता है। और जो बाहर के चार प्लानट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको गैस जाइंट बोला जाता है, या जोवियन प्लानट भी बोला जाता है, गैस जाइंट या जोवियन प्लानट। जो मार्स और जुपिटर के बीच में आप देख रहे हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में आ रहा है आपका एस्टोराइड बेल्ट। ये एस्टोराइड बेल्ट है, इस पर एस्टोराइड्स पाए जाते हैं, मतलब एस्टोराइड रॉक्स होते हैं। सो एस्टोराइड बेल्ट्स में एस्टोराइड पाए जाते हैं। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एस्टोराइड बेल्ट किस दो प्लानट के बीच में आता है? सो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टोराइड बेल्ट आता है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार साइज़ को देख लेते हैं कि सबसे छोटा साइज़ कौन से प्लानट का होता है, और फिर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं, और आपको ये याद होना चाहिए फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम। सो सबसे छोटा है मरकरी, फिर आता है मार्स, फिर वेनस, अर्थ, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। सो बेसिक है कि सबसे बड़ा प्लानट जुपिटर है और सबसे छोटा प्लानट मरकरी है। अर्थ की बात की जाए तो अर्थ जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्थ नंबर पे आता है। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मार्स और अर्थ में कौन सा बड़ा है? सो मार्स अर्थ से छोटा है। अब ये नीचे भी कुछ फैक्ट है जो है, कुछ फैक्ट और हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। सही लिखा है मैंने, मैक्सिमम मून। सो सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून है, और पहले तो जुपिटर था जिसका सबसे ज़्यादा मून था। अभी लेटेस्ट फैक्ट यही है कि सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून है। और जो अंदर के चार प्लानट है जिससे मैंने बताया कि उसको टेरेस्ट्रियल प्लानट बोलते हैं, या इनर प्लानट भी बोलते हैं। और बाहर वाले चार प्लानट को, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को आउटर प्लानट बोलते हैं, गैस जैन भी बोलते हैं, और जोवियन प्लानट भी बोलते हैं, ठीक। अभी दो टर्म हैं एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक टर्म ही है। सो प्रोग्रेड क्या होता है और रिट्रोग्रेड क्या होता है? सो ये हो गया मान लीजिए सन, और ये है कोई प्लानट, प्लानट तो आपको पता है कि ये इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होता है अपने एक्सिस के अराउंड। और अगर इसका मूवमेंट भी सन के अराउंड इसी डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, अपने एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट हो रहा है और जो सन के अराउंड मूवमेंट हो रहा है, अगर दोनों सेम है तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेड मूवमेंट, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, मतलब सन के अराउंड मूवमेंट इस डायरेक्शन में है लेकिन अपने एक्सिस के अराउंड मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड मूवमेंट। सो दो प्लानट ऐसे हैं जो इनका मूवमेंट है रेट्रोग्रेड। सो वेनस और यूरेनस के जो मूवमेंट है वो रेट्रोग्रेड मूवमेंट होता है। अर्थ का मूवमेंट कैसा है? अर्थ का मूवमेंट प्रोग्रेड है, मतलब अपने एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट है और जो सन के अराउंड मूवमेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, ओके। आगे देखते हैं, सो आगे है सन। अब क्वेश्चन में दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सन का कंपोजिशन क्या है, सन किस चीज़ से बना हुआ है? तो सन बेसिकली गैस से बना हुआ है। तो फिर भी दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन सा गैस? तो सन जो है 91% वो हाइड्रोजन से बना हुआ है, और 9% उसमें हीलियम से बने हुए हैं। और सन की जो एनर्जी है इन्हीं दो गैसों के कारण जो है सन की एनर्जी है। सन का और अर्थ का जो दूरी है दोनों के बीच में वो 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। प्लानट तो आपको पता ही है कि आठ प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम में, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है।
कुछ यहाँ पे फैक्ट थे एनसीईआरटी में, हम लोग देख लेते हैं। सबसे नियरेस्ट प्लानट तो आपको पता ही है मरकरी है, और उसको सन का पूरा चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं, 88 डेज़। अर्थ को चक्कर लगाने में लगते हैं 365 दिन या 366 दिन। सो काफ़ी कम टाइम में ये चक्कर लगा लेता है क्योंकि सन के बहुत नज़दीक है। सेकेंड नंबर पे जो प्लानट आता है मरकरी के बाद, वो है वेनस। सो वेनस को अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, अर्थ का जुड़वा, अर्थ ट्विन। ये क्वेश्चन पूछता है कई बार। सो क्यों बोलते हैं अर्थ के ट्विन, अर्थ का ट्विन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो साइज है और शेप है वो एकदम अर्थ से मिलता जुलता है, लगभग अर्थ के बराबर है, ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए इसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2006 में प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया। उसके पहले प्लूटो को भी प्लैनेट बोला जाता था और टोटल सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट थे। सो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि भाई क्यों प्लूटो को हटा दिया गया। सो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये कुछ कैटेगरी डिफाइन किया है, कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किया है, कि तीन क्राइटेरिया है कि जो तीन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा उसको हम लोग प्लानट बोलेंगे। तो प्लूटो जो है वो सिर्फ दो ही क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है, तीसरा क्राइटेरिया वो फुलफ़िल नहीं करता है, इसलिए उसको प्लानट की कैटेगरी से हटा दिया गया। तो उसको अब प्लानट नहीं बोला जाता। तो आप बोलेंगे फिर इसको क्या बोला जाता है? तो उसको अब ड्वार्फ प्लानट बोला जाता है। ड्वार्फ प्लानट ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्वार्फ प्लानट। तो ड्वार्फ प्लानट भी एक कैटेगरी है, और कुछ और भी ड्वार्फ प्लानट हैं, जैसे यहाँ जो मेंशन है सेरिस एक ड्वार्फ प्लानट है, और एरिस, मेक मेक, हॉमिया ये भी एक ड्वार्फ प्लानट है, और एक प्लूटो हो गया नया ड्वार्फ प्लानट। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 ड्वार्फ प्लानट अभी हम लोग को पता है। अब अर्थ, अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन। अर्थ सन से अगर दूरी की बात की जाए तो सबसे तीसरा नियरेस्ट है मरक्यूरी, वेनस, अर्थ। साइज़ की बात की जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, इट इन साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट। हाँ, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेंगे तो पाँचवें नंबर पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चौथे नंबर पे। और अर्थ का शेप क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अर्थ का शेप क्या है। सो अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है या अर्थ का शेप जुआइड है या अर्थ का शेप ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, तो आप क्या बोलेंगे? ये तीन ऑप्शन है आपके पास। तो स्फेरिकल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, स्फेरिकल नहीं होता अर्थ का शेप। ऑलमोस्ट स्फेरिकल जब भी बोलिए तो बोलिए कि हाँ अर्थ का शेप ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, या सबसे एक्यूरेट बोलना होगा कि अर्थ का शेप जुआइड शेप है। ये लिखा हुआ है जुआइड शेप। तो कभी पूछा जाए अर्थ का शेप क्या है, तो अर्थ का शेप जुआइड शेप होता है। आप पूछेंगे अच्छा जुआइड कैसे दिखता है, फिर स्फेरिकल तो हो गया, ठीक है ये स्फेरिकल हो गया, तो जुआइड शेप कैसा होता है? सो जैसा अर्थ का शेप है वैसा ही जुआइड शेप होता है। थोड़ा अजीब बात है ये, पहली बात आपको अजीब लगेगा। अब अर्थ सर सर की सॉरी सूर्य की रोशनी जो होती है वो अर्थ पे आने पे, अर्थ के पास आने पे कितना टाइम लगता है उसको? सो उसको टोटल जो है 8 मिनट लगता है सूर्य की रोशनी अर्थ पे पहुंचने के लिए, और ज़्यादा एक्यूरेट पूछा जाए तो 8 मिनट से ज़्यादा लगता है, टोटल 500 सेकेंड लगते हैं। सो 8 मिनट प्लस 20 सेकेंड लगता है टोटल अर्थ पे आने के लिए सूर्य की रोशनी को। और आप ये न्यूमेरिक सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 150 मिलियन किलोमीटर है दूरी दोनों के बीच में, और लाइट की स्पीड से डिवाइड कर दीजिए तो 500 सेकेंड आपका आ जाएगा। अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि इसके सरफेस पे मैक्सिमम जो है वाटर है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। 71% वाटर है अर्थ के सरफेस पे, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि ओशन का कलर जो है हमको ब्लू ही दिखता है। एक फैक्ट है कि सबसे पहले मून के सरफेस पे किसने कदम रखा, तो नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में वहाँ पे मून पे उन्होंने कदम रखा, ये अमेरिका की तरफ से गए थे। मून के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि मून का डायमीटर क्या है। मून का डायमीटर अर्थ का जो भी डायमीटर है उसके 1/4 मून का डायमीटर है। अब मून और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है, तो मून और अर्थ के बीच की दूरी 384,400 किलोमीटर है, मून और अर्थ के बीच की दूरी। अब जैसे और कितना टाइम लगता है अर्थ के से, ये अर्थ हो गया, ये हो गया मून। अब मून को अर्थ का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो 27 डेज लगते हैं, 27 डेज लगते हैं, ये हो गया रिवोल्यूशन टाइम। और रोटेशन टाइम कितना होता है, अर्थ जो है अपने चारों तरफ अपना खुद का एक चक्कर लगाने के लिए उसको 24 घंटे लगते हैं, तो मून को कितना टाइम लगता है? सो मून को 27 दिन लगते हैं,
सो अपना इसका रोटेशनल टाइम और रिवोल्यूशनल टाइम दोनों ही सेम होता है, 27 दिन। और यही कारण है कि हम लोग जब भी मून को देखते हैं तो उसका एक ही साइड दिखता है, इसके पीछे वाला साइड हम लोग को नहीं दिखता है मून का, क्योंकि वो रिवोल्यूशन टाइम और रोटेशन टाइम उसका सेम होता है। अब लास्ट है कि एस्टोराइड्स। तो एस्टोराइड मैंने बताया कि एस्टोराइड बेल्ट्स में पाए जाते हैं। एस्टोराइड बेल्ट्स मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। और एस्टोराइड्स क्या होते हैं? एस्टोराइड्स ये पत्थर होते हैं जो है। अब यहाँ पे चीज़ें लिखा हुआ है कि दे आर फाउंड बिटवीन दी ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मतलब एस्टोराइड बेल्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी एस्टोराइड एस्टोराइड बेल्ट में ही पाए जाते हैं, एस्टोराइड बेल्ट के बाहर भी एस्टोराइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन तो हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है, सबसे दूसरा नज़दीक जो सन के स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुराई। प्रॉक्सिमा सेंचुराई इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर सन, प्रॉक्सिमा सेंचुराई। नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? नियरेस्ट गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी से जो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारा गैलेक्सी जिसको हिंदी में आकाश गंगा भी बोलते हैं, और इससे सबसे नज़दीक वाला जो गैलेक्सी है उसका नाम है कैनिस मेजर। ये भी एक फैक्ट है, पूछ सकते हैं। नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी इज़ कैनिस मेजर, और स्टार जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सो बस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और थोड़ा एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कर लेते हैं। ये अर्थ हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ से ऊपर जाएंगे तो सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से बाहर जाएंगे तो मिल्की वे गैलेक्सी, उसके बाद है यूनिवर्स। ठीक है, ये कुछ है एमसीक्यूज टाइप के, इसमें क्वेश्चन दिए हैं, देख लेते हैं। द प्लैनेट, सॉरी, द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन किसको बोला जाता है? अर्थ का जुड़वा अभी हम लोगों ने पढ़ा, वीनस को बोला जाता है। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से तीसरे नंबर पे सबसे नज़दीक में है वो है अर्थ, ये हमने देखा अभी। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द अर्थ, सभी जो प्लैनेट हैं वो अर्थ के अराउंड घूमते हैं, कौन से पाथ में? ये तुमको पता है कि इलॉन्गेटेड पाथ होता है, इलॉन्गेटेड पाथ होता है, या इसको इक्लिप्स भी बोल सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इक्लिप्स बोलिए इसको, जो है ऑलमोस्ट इक्लिप्स पाथ। इक्लिप्स मतलब कुछ ऐसा पाथ में घूमते हैं, यहाँ पे होता है सन। ठीक है, फिर पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन, पोल स्टार कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करता है? तो पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, एस्टेरॉइड्स जो है मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में हमको पाए जाते हैं। तो बस ये हो गया पूरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। सो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं।